हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्तियाज ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं वादी लवन ब्रिज को देखने के लिए। उसको उस वादी लवन ब्रिज को रियाद सस्पेंशन ब्रिज भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग रास्ता ही में हैं, तो जा रहे हैं। इस वीडियो में बने रहिए, आगे इसका हम जो मोर डिटेल्स आपको बताएंगे इस ब्रिज के बारे में, और आपको इसका पूरा व्यू भी दिखाएंगे आज। तो हम लोग जा रहे हैं और ये सामने में देख रहे हैं, ये जमा अल कसर मॉस्क है। हम लोग इसी में ईद की नमाज पढ़े थे। और ये कौन सा रोड है भाई? जी यहाँ से वो 23 नंबर तक मलिक फाद के नाम से है। क्या मलिक फाद? मतलब किंग फाद? किंग फाद रोड। अच्छा, किंग फाद रोड है। 23 नंबर के बाद में डायरी बन जाती है, मक्का की तरह जाती है, दराब जाती है और इधर दमाम जाती है। अभी हम घूमेंगे इधर के। अच्छा, यहाँ से जाएंगे राइट ना? यहाँ से राइट जाएंगे, मक्का रोड पकड़ेंगे, 500 मीटर के बाद मक्का रोड आएगी। फाइनली हम लोग आ गए ब्रिज के पास। ये ब्रिज का व्यू है बैक साइड का। अच्छा उम्मीद भाई, आप यहाँ पे 25 साल से, ये ब्रिज कब बना बताइए? हम यहाँ पर हैं 97 से। हाँ 97 5/10 से, मतलब 5/10 से हम उस टाइम से हैं। लेकिन हम ये ब्रिज उस टाइम से नहीं देखे हैं, और हमारे टाइम में पता नहीं बना नहीं बना, इतना कुछ और नहीं मालूम है। हम देख जब से सोदिया है जब देख रही है हम इसको। ठीक है उम्मीद भाई, आपके आपको इतना नहीं मालूम, लेकिन हम इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये रियाज सस्पेंशन ब्रिज 1993 से बनना स्टार्ट हो गया था, और 1997 में इसका बनके कंप्लीट हो गया था। इस ब्रिज में टोटल इसका लेंथ है 793 मीटर इसका लेंथ है, और इस ब्रिज का जो विड्थ है 36 मीटर विड्थ है। और ये जो ब्रिज का टाइप है केबल टाइप ब्रिज है, मैंने हैंगिंग ब्रिज है क्योंकि ये केबल के थ्रू ब्रिज हैंगिंग हुआ है। और इस ब्रिज को बनाने वाले डिज़ाइनर है श्रयाद्री श्रीनिवासन, जो इस ब्रिज को डिज़ाइन किए थे। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, और इस ब्रिज को आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया गया। ये ब्रिज ईस्ट से लेके वेस्ट को जोड़ती है, और शाम का वक्त है तो आप देख सकते हैं ये वेस्ट में सूरज सनसेट होने का टाइमिंग बहुत ही करीब हो रहा है। ये ब्रिज कितना बिजी है देखिए, कार कितना रनिंग कर रहा है, बहुत ही कार चलता है। अभी शाम का टाइम है, ट्रैफिक है। और इस ब्रिज को मुझे देखने के बाद मुझे जो इंडिया में कोलकाता में विद्यासागर सेतु, जो न्यू हुगली ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जब हम इंडिया में जॉब करते थे कोलकाता में, तो मेरा हम बस पकड़ते थे K11 एक साइड से, जो बस ब्रिज से होती हुई जाती थी हावड़ा सलब, वहाँ मेरा ऑफिस था। तो इस ब्रिज को देखने के बाद वो मुझे ब्रिज सेम याद आता है। और आप देखिए अभी सूरज डूबने वाला है, अब आपको हम इसका ड्रोन शॉट दिखाते हैं, चलिए। था दोनों ब्रिज का व्यू ड्रोन शॉट। तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताइए, कौन सा अच्छा है, अरे सऊदी वाला या इंडिया वाला। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, अब आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं, नीचे से कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से नीचे का, नीचे भी रास्ता है जाने का, अभी हम जाएंगे नीचे। उम्मीद भाई आप नीचे गए थे पहले कभी? नहीं सर, हम नहीं गए। ये उम्मीद भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आज जा रहे हैं नीचे, हम भी जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, आज उम्मीद भाई जाएंगे फर्स्ट टाइम नीचे। चलिए देखते हैं कैसा भी हो नीचे का।
अभी हम लोग नीचे जाने से पहले थोड़ा पानी जूस लिए हैं, उसके बाद फिर जाएंगे क्योंकि नीचे में पानी जूस नहीं मिलता है, थोड़ा दूर भी है, चक्कर काट के जाना पड़ता है। और ये हमने लिया है लबन, ये देखिए स्ट्रॉबेरी लबन है, ये सेम जैसे इंडिया में मिलता है लस्सी वैसा ही है। क्या बताए लस्सी ना, बताइए लस्सी इंडिया में नहीं मिलता ये लबन, ये फ्रूट लस्सी है, ये इंडिया में फ्रूट लस्सी अमूल का मिलता है लस्सी ना, मिक्स लस्सी, ये लस्सी है लबन। तो अब हम लोग फिर जा रहे हैं आगे की ओर, ये देखिए व्यू कितना अच्छा है, सामने का सनसेट, ये सामने का जो सामने जो लगा हुआ कैमरा, ये एक फोटो का दाम है 3000 यार। तो आपको कैमरा दिखा है, अगर आप ये इशारा तोड़ते हैं मतलब सिग्नल को ब्रेक करते हैं तो आपको 3000 यार फाइन आएगा, मतलब एक फोटो का 50 कितना रुपये होगा, 60000 रुपये पड़ेगा एक फोटो का, एक बंदे का फाइन है ना आपका, एक बंदे का है हमारे फाइन वो पाकिस्तान के हो गए 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपये बेचारे का फाइन आ गया सिर्फ सिग्नल तोड़ने का। देखिए क्या खूबसूरत मस्जिद है, कैमरा की बात कर रहे हैं। तो आज लगता नहीं कि हम लोग नीचे पहुंच पाएंगे, इतना ट्रैफिक है, अभी आप लोग देखें वीडियो में कितना ट्रैफिक है, सामने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए ट्रैफिक ज्यादा है यार। सऊदी में जहाँ एक्सीडेंट हो गया वहीं के वहीं रोक दो, कोई किसी के साथ मारपीट नहीं, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, एक दूसरे से सलाम करेंगे, हाल पूछेंगे क्या हाल है कैसा है, उसके बाद में पुलिस आएगी वो फैसला करेगी। देखिए व्यू नीचे से कितना खूबसूरत लग रहा है, जो इंडिया का ब्रिज है वहां वाटर है, यहाँ वाटर नहीं है, नीचे रोड है। क्या व्यू है माशाल्लाह, हमने आपको ऊपर से व्यू दिखाया, डाउन से व्यू दिखाया, अब हम लोग जा रहे हैं इसके मेन रोड पे, वहां से आपको व्यू दिखाते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। ब्रिज के ऊपर का व्यू, अब हम लोग ब्रिज के ऊपर में हैं, अभी शाम का टाइम है, कितना ट्रैफिक है।
दूर वादी लबन ब्रिज का। हमने इस वीडियो में आपको इंडिया का भी ब्रिज दिखाया और ये सऊदी का जो वादी लबन ब्रिज था उसका भी आपको हमने व्यू दिखाया, और इस वीडियो में हमने आपको ड्रोन शॉट दिखाया, सिनेमैटिक शॉट दिखाया, टाइमलेस दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो यहाँ तक देख के बहुत ही खुशी मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्योंकि ये वीडियो हम बहुत आप क्योंकि ये वीडियो बहुत ही एफर्ट और बहुत ही डेडिकेशन के साथ बनाते हैं, क्योंकि आप हमारे एक यूट्यूब की फैमिली है और आप लोग हमेशा अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा अपने आप में सुधार करके आपको अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। भैया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिए अंगूठा लगा के। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे करते हैं, अपना ख्याल रखिए, हम सबको दुआ याद रखिएगा। बाय बाय।